सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को फाइनली आज बेल ग्रांट कर दी, बट दैट्स नॉट द बिग न्यूज. द बिग न्यूज इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन इट्स ऑर्डर वाइल ग्रांटिंग द बेल. अर्णब गोस्वामी और बाकी जो दो अक्यूज्ड है इस केस में, उन सबको बेल मिल गई है. एंड द कोर्ट सेड दैट देयर शुड नॉट बी डिले ऑफ टू डेज फॉर रिलीजिंग देम. उनको इमीजिएटली रिलीज करना पड़ेगा एंड देयर विल बी अ बॉन्ड ऑफ 50,000 रुपीज दैट विल बी टेकन फ्रॉम देम. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो बातें कही, दैट विल रिस्टोर योर फेथ इन द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया एंड ऑल्सो इन द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसकी वजह से नॉट जस्ट जर्नलिस्ट लाइक अर्णब गोस्वामी बट ऑल्सो रेगुलर पीपल कैन से वॉट दे वॉन्ट टू से ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स एंड दे डोंट हैव टू फियर अरेस्ट. सबसे पहली बात जो मुझे लगी, हालांकि देर आर सम फाइव कोर्ट्स दैट आई हैव टेकन आउट फॉर यू, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही, विच विल एको फॉर ईयर्स टू कम एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर नॉट जस्ट इन दिस केस एंड अर्णब गोस्वामी केस फॉर अर्णब बट ऑल्सो फॉर पीपल लाइक यू एंड मी. उसमें सबसे पहली बात जो मुझे लगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज कि क्या पैसे ना देने वो सुसाइड को अबेट करने के बराबर हो सकता है. कि क्या किसी को आपने अगर पैसे नहीं दिए और उसने सुसाइड कर लिया तो क्या वो स्क्वेयरली आपका फॉल्ट है? सो इन दैट रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट जज सेड कि क्या अगर कोई महाराष्ट्र में सुसाइड कमिट करता है एंड इफ दैट पर्सन ब्लेम्स द गवर्नमेंट, तो क्या इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाए? वेल, दिस इज जस्ट वन ऑफ द कोर्ट्स दैट जस्टिस चंद्रचूड सेड इन हिज ऑर्डर व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू अर्णब गोस्वामी. देर आर मोर. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट्स हैं ये. It will be a travesty of justice if bail is not granted while FIR is pending. Mr. Sibal, yani ki Kapil Sibal, jo Maharashtra government ko represent kar rahe is case mein, unko address karte hue court ne kaha. Aur court ne ye bhi kaha ki assuming the FIR is the gospel truth and that's a matter of investigation, lekin iska matlab ye nahi ki bail nahi milni chahiye. Agar FIR pending hai to investigation karo. Phir court ne ye kaha, if left to me, I do not watch the channel and you may differ in ideology. But if constitutional courts do not interfere today, we are traveling the path of destruction undeniably. So the court is saying कि अगर आपको चैनल पसंद नहीं है तो बंद कर दो या चेंज कर दो. It doesn't mean कि आप उस इंसान को उठाकर आप जेल में डाल दो. Our democracy is extraordinarily resilient. Point is, government should ignore them. तो जो भी anchors या journalists TV पर बोलते हैं, the governments can ignore that. They don't have to take it so seriously. These are just taunts and by the virtue of being a democracy, everyone and especially in a democracy, the media has the right to say things against the government, is what the court is saying in effect. Iske aage the court is saying, this is not the basis on which elections are fought. Ke jo channels bolte hain, jo journalists bolte hain, is par elections nahi lade jate. Elections baki muddon pe lade jate. People understand who they are voting for and why they are voting for. You, yani ki Maharashtra government, think what they say makes any difference in the elections, the court is asking. We must send a message today to the high courts as well. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स और उसके नीचे आते हैं सेशंस कोर्ट. तो द कोर्ट इज सेइंग दैट उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए कि प्लीज एक्सरसाइज योर ज्यूरिसडिक्शन टू अपहोल्ड पर्सनल लिबर्टी. सो द कोर्ट इन इफेक्ट इज ऑल्सो सेइंग दैट द हाई कोर्ट्स ऑल्सो इन सच केसेज, जहाँ पर एक इंडिविजुअल को कुछ बोलने के वजह से परेशान किया जा रहा है या अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए उनको कस्टडी में लिया जा रहा है और उनको कंटिन्यूसली बेल नहीं दी जा रही है, तो ऐसे केसेज में बेल देना ज़रूरी होता है और केसेस को टेक्निकल ग्राउंड्स पे फाइट करना भी ज़रूरी होता है और सारे एस्पेक्ट्स को देखकर बेल देनी चाहिए. बिकॉज अदरवाइज ऑल ऑफ दीज केसेस कम टू सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज ऑलरेडी ओवरबर्डन विद सो मच ऑफ वर्कलोड. आगे द कोर्ट इज सेइंग, इफ स्टेट गवर्नमेंट्स टारगेट इंडिविजुअल्स लाइक दिस, दे मस्ट रियलाइज दैट देर इज एन एपेक्स कोर्ट टू अपहोल्ड द लिबर्टी एंड टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स. एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट. द कोर्ट इज सेइंग दैट अल्टीमेटली इफ द स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स दैट दे कैन गो आफ्टर इंडिविजुअल्स, then सबके ऊपर the Supreme Court is there and it is going to protect the right of the individuals. So this is, I think, an extremely significant statement which will, like I said, echo for years to come. और आगे भी जितने भी judgments होते हैं, क्योंकि जब भी Supreme Court या High Courts में कोई judgments होते हैं तो वो आगे refer किए जाते हैं and आगे के cases में भी as a precedent it is set और उसी को follow करके आगे के ऑर्डर्स और जजमेंट्स दिए जाते हैं. सो इन दिस केस दिस विल बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट विल हेल्प पीपल हु आर बीइंग हैरेस्ड बाय द स्टेट फॉर स्पीकिंग आउट देयर माइंड. एंड इन जनरल इट वाज अ वेरी एक्शन पैक्ड एंड ड्रामेटिक डे इन द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर हरीश सालवे जो अर्णब गोस्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बेल प्ली में ये कहा कि क्या अर्णब गोस्वामी कोई टेररिस्ट है, क्या उन्होंने कोई मर्डर किया है, उनको बेल क्यों नहीं दी जा सकती. और फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम और उनको भी फेयर प्रोब और रिकॉर्ड्स मिलना चाहिए, विच इज़ वॉट द कोर्ट इज नेवर डिनाइड. एंड ऑफकोर्स इट इज सेइंग दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन कंटिन्यू, बट द ओनली थिंग द कोर्ट इज सेइंग इज दैट इसमें कस्टडी की जरूरत नहीं है. अर्णब गोस्वामी कैन स्टिल बी आउट ऑफ द जेल
एंड द इन्वेस्टिगेशन कैन कंटिन्यू इज वॉट द वन लाइन क्रक्स ऑफ दिस एंटायर मैटर इज. बट अपनी ऑर्डर तक पहुँचते पहुँचते जो कोर्ट ने कहा है, दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट ऑल रिमेंबर फॉर मेनी ईयर्स टू कम. एंड दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू वेन यू आर इन ट्रबल फॉर स्पीकिंग आउट योर माइंड इज वॉट आई फील फ्रॉम दिस एंटायर जजमेंट. आपके जो भी थॉट्स है प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. सी वेन एवर आई हैव रिपोर्टेड ऑन कोर्ट केसेज आई हैव बीन वेरी इंपैक्टेड बाई द pronouncement of judgments and what the judges say, because that holds a lot of water, and that is something that is important not just for individuals but also governments to remember, that when there is Supreme Court, that is the sole authority for deciding such matters, jahan par justice has to be served, and that can only happen in the courts and not by individuals like police or by the governments. They are only there to catch the culprits, they are not there to pronounce the judgment. And even media should remember that nobody can become the judge, jury and the executioner. There is a Supreme Court, and as a democracy we must all look up to that institution. So jo bhi aapke thoughts hai please mujhe comment section mein bataiye. If you like my content, subscribe, click on the bell icon, and thank you so much for watching.